एक बार की बात है, गोपावर गांव में धर्मा नाम का एक जमींदार रहता था। सूर्या उसका इकलौता बेटा था। धर्मा ने उसको बड़े लाड़ दुलार के साथ बड़ा किया था। इस वजह से सूर्या को किसी बात से डर नहीं लगता था। अनोखी बात ये थी कि सूर्या को डर क्या होता है इसका भी नहीं पता था। उसे आधी रात कब्रिस्तान में जाने में भी डर नहीं लगता था। धर्मा को ये बात पसंद नहीं थी और वो इस बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता था कि सूर्या इस तरह किसी दिन खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह अब सूर्या बड़ा हो गया था। एक दिन धर्मा ने सूर्या को अपने पास बुलाया। सूर्या, तुम किसी भी चीज से नहीं डरते हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी डर नहीं होगा तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो बेटा। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। डर क्या होता है पिताजी, और कैसा दिखता है, और मुझे डरना चाहिए ही क्यों? धर्मा ने सोचा कि अगर वो डर को शब्दों में समझाएगा तो शायद उसका बेटा समझ नहीं पाए, इसीलिए उसने उसे व्यवहारिक तौर पर समझाने का निर्णय लिया। एक दिन धर्मा ने अपने बेटे को आधी रात गांव के बाहरी छोर पर एक बरगद के पेड़ से उसकी पत्तियां लाने के लिए भेजा। इस बीच धर्मा ने एक आदमी को एक भयानक राक्षस के भेष में उस बरगद के पेड़ पर बैठने के लिए भेजा। उसने उससे ये भी कहा कि जब उसका बेटा बरगद के पेड़ के पास आए तो वो उसे डराए। इसके लिए धर्मा ने उस आदमी को कुछ पैसे भी दिए। जब सूर्या उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, ए लड़के, कौन है तू? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे खत्म करता हूँ। जहाँ खड़ा है वही ठहर जाओ। इस तरह वो जोर से चिल्लाया, लेकिन सूर्या डरा नहीं और उस आदमी को पेड़ से नीचे खींच लिया, फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस तरह वो आदमी वहाँ से किसी तरह निकल भागा और धर्मा को जाकर सब कुछ बताया। सुनो भाई, डर का मतलब तुम्हारा बेटा कभी नहीं समझ सकेगा, इसीलिए वो जो चाहे उसे करने दो। ऐसा कहकर वो चला गया। फिर सूर्या 20 साल का हो गया। धर्मा ने सोचा कि शायद अब सूर्या को डर का ज्ञान हो सकता है अगर वो उसे शहर भेजे। धर्मा ने उसे कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वो जहाँ चाहे जा सकता है। सूर्या ने अपने पिताजी की बात मान ली और शहर गया। शहर जाकर उसने बहुत सारे अजूबे देखे और उस रात एक भवन में रुक गया। सूर्या जब उस भवन की तरफ जा रहा था तो एक आदमी ने उसे चेताया और वो बोला, ए लड़के, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस भवन में तुम्हारे लिए रहना ठीक नहीं। वहाँ आधी रात भूत आते हैं और जो चाहे करते हैं। लेकिन सूर्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उस भवन में चला गया। आधी रात वहाँ भूतनियाँ आईं और उन्होंने सूर्या को भवन के बाहर सोते देखा। उन्होंने उसे उठाया और जोर जोर से हंसने लगी। सूर्या उठकर बैठ गया और उन भूतों पर जोर से चिल्लाया, तुम भूत हो क्या? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? तुमने मेरी नींद तोड़ दी और अब जोर जोर से हंस रही हो। बात करनी हो तो सुबह आना। भूतनियों ने लेकिन उसकी बात नहीं मानी और हंसती ही रही। फिर सूर्या को उठाकर एक पुराने घर में ले जाने लगी। ये देखकर सूर्या को बड़ा अचरज हुआ। उन भूतनियों ने उस घर में सूर्या को ले जाकर एक पुराने पलंग पर फेंक दिया और फौरन वो पलंग गोल गोल अपनी जगह पर घूमने लगा। ये देखकर सूर्या को मजा आ गया और वो पलंग पर कूदते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उन भूतों का राजा उस पुराने घर में अपनी पत्नी और गोद ली हुई बेटी के साथ रहता था। सूर्या को खुशी से चीखते देख सारे भूत असमंजस में पड़ गए। जब भी वो किसी के सामने जाते थे वो लोग डर जाते थे, लेकिन ये लड़का डरने की बजाय पलंग के घूमने का मजा ले रहा था। भूतों को ये लड़का बड़ा अजीब लगा और वो उसे अपने राजा के पास लेकर गए। भूतों का राजा खुद तो 1 फुट लंबा था, लेकिन उसकी दाढ़ी 3 फीट लंबी थी। उसकी दाढ़ी उसके चलने पर फर्श पर झाड़ू लगाती चलती थी। ये नजारा सूर्या को बड़ा विचित्र लगा। उसने अपने हाथों से तालियां बजानी शुरू कर दी और राजा के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। इस पर राजा बेहद नाराज हो गया और उसने सूर्या पर हमला किया। सूर्या ने तुरंत उस कुल्हाड़ी को
भूतों के राजा के ऊपर फेंक दिया। वो कुल्हाड़ी राजा की फर्श पर पड़ी दाढ़ी में अटक गई। भूतों का राजा अपनी फंसी दाढ़ी निकालने के लिए उसे बाहर खींचते हुए जोर से चिल्लाया, ए लड़के मुझे बख्श दे, तू जो चाहेगा तुझे दे दूंगा, हाय मेरी दाढ़ी। सूर्या को उस पर दया आ गई और उसने फर्श से कुल्हाड़ी उठाकर राजा की दाढ़ी छुटा के अलग कर दी। भूतों के राजा ने राहत की सांस ली और सूर्या से बोला, मैंने आज तक तुम जैसा बहादुर नौजवान नहीं देखा, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो और आराम से जिंदगी गुजारो, क्या कहते हो? सूर्या सोचने लगा उसे शादी करना चाहिए या नहीं। सुनो नौजवान, ये लड़की मेरी नहीं बल्कि वांग राज्य के राजा की बेटी है, मुझे पसंद आई तो मैं इसे उठा लाया था, शादी कर लो इससे। सूर्या ने भूतों के राजा की गोद ली हुई बेटी को अपने साथ ले लिया और तुरंत वांग राज्य के राजा से मिलने उसके किले गया। जैसे ही राजा ने बचपन से लापता अपनी बेटी को देखा, बेहद खुश हुआ। उसने सूर्या की सराहना की और अपनी बेटी से उसका विवाह कर दिया। राजा ने सूर्या को अपने राज्य का राजा भी बना दिया। तब सूर्या ने अपने पिता धर्मा को बुलाया। अपने बेटे को उस पद पर देखकर धर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में जब धर्मा राजा से अकेले में मिला तो उनसे कहने लगा, महाराज मेरा बेटा बचपन से ही डर किस चीज का नाम है नहीं जानता, मैं हमेशा डरता था कि ये किसी दिन परेशानी में पड़ जाएगा। इस तरह धर्मा ने अपनी चिंता व्यक्त की। राजा मुस्कुराया और बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी जीत को हासिल करने के लिए निडर होना ही चाहिए, यही कारण है कि सूर्या ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये सुनकर धर्मा को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने अपने बेटे को मन ही मन ढेर सारा आशीर्वाद दिया। एक बार की बात है, लक्ष्मीपुर गांव में सुशील नाम का एक सौदागर रहता था। एक दिन हमेशा की तरह उसकी पत्नी मंगला ने घर साफ किया और कचरा पड़ोसी के घर के पीछे के हिस्से में फेंक दिया। कचरा फेंकने के बाद वो चिंतित हो गई, तुरंत अपने पति के पास आई और बोली, ए जी सुनो, मैंने पड़ोसी के घर के पीछे के हिस्से में कचरा फेंक दिया है, वो लड़ाई करने ना आ जाए। बात ये थी कि उनके पड़ोस के घर में बहुत समय से कोई नहीं रह रहा था। आलसी पने की वजह से मंगला सड़क के पार रखे कचरे के डब्बे की बजाय उस घर के पीछे के हिस्से में ही कचरा फेंक देती थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उस घर में बकरियों के झुंड के साथ कोई आ गया था। सुशील ने मंगला को डांटा और फिर पिछवाड़े बकरियों को चारा खिलाते उसे एक आदमी दिखा। कचड़े का डब्बा हमारे घर से जरा दूर है, इसीलिए हम अभी तक इस खाली जगह में ही कचरा फेंक दिया करते थे। इस तरह सुशील ने उस आदमी को सारी बात बता दी। वो आदमी आंगन की दीवार के पास आया और बोला, कोई बात नहीं जनाब, आप हमारे आंगन में कचरा फेंक सकते हैं, मेरी पत्नी तो आंगन साफ करेगी ही, आपका फेंका कचरा भी साफ कर देगी। सुशील उस आदमी की सीधाई देखकर हैरान रह गया। बातचीत से पता चला कि उस आदमी का नाम वेणु है और बकरियां ही उसकी एकमात्र संपत्ति है। वो अपने घर के अंदर जाकर पत्नी से बोला, उसका नाम वेणु है और बेवकूफ सा लगता है, तुम उनके आंगन में कचरा फेंक सकती हो। इस तरह उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चार दिन के अंदर ही सुशील और मंगला को वेणु की सारी सीधाई का पता लग गया। एक दिन सुशील वेणु पर चिल्लाया, बकरियां रात भर इतना चीखती हैं, हम रात भर सो नहीं पाते, गांव के मुखिया से शिकायत करूं क्या? उसका ये चिल्लाना देखकर वेणु उदास हो गया और बोला, ये बकरियां ही मेरी संपत्ति हैं, कृपया इन्हें ना बर्बाद करें। इस तरह वेणु ने सुशील से प्रार्थना की, बकरियों का दूध पीने से सुना है गहरी नींद आती है, हर दिन हमें एक लीटर बकरी का दूध देना शुरू करो, कम से कम तुम्हारी बकरियों की मैमे से हमारी नींद नहीं खराब होगी। ठीक है भाई, मैं आपके लिए बकरी का दूध भेज दिया करूंगा। उस दिन से सुशील ने वेणु की सीधाई का फायदा उठाना शुरू कर दिया और उससे अपने काम कराने लगा। हर महीने सुशील को अपनी दुकान के लिए शहर से सामान लाना होता था, इसके लिए सूरज निकलने से पहले ही घर से निकलना पड़ता। एक दिन जब सुशील शहर के लिए निकल रहा था, उसने अपनी पत्नी से दरवाजे पर ताला लगाने के लिए कहा। तभी एक मेमना घूमता हुआ बकरियों के झुंड से अलग हो मेमे करता हुआ उनके घर के सामने आ गया। उसे देखकर मंगला को एक बात सूझी और वो अपनी पति से बोली, इस मेमने को ले जाओ और शहर में बेच देना, कम से कम 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। और सुशील तैयार भी हो गया, उसने मेमने को कंधे पर रखा और शहर चला गया।
शाम में वो 50 रुपए लेकर आया। मैं बकरियां बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे गहने खरीदूंगी, ऐसा कहकर मंगला ने वो पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए। बकरियां बेचकर जो पैसा मिलेगा, कितनी बकरियां बेचना चाहती हो तुम? सुशील कुछ समझ नहीं पा रहा था। मंगला बोली, वेणु की सारी बकरियां, वेणु को कोई शक भी नहीं होगा, मैंने पहले ही सारी योजना बना ली है। तभी वेणु वहाँ बड़ा परेशानी में आया और उन दोनों से बोला, मेरी बकरियों के झुंड से एक मेमना गायब है। तुरंत सुशील ने वही कहा जो उसकी पत्नी ने बताया था। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये भूत का ही काम है, भूत बकरियों का शौकीन है, जरूर वही उठा कर ले गया है। भूत की बात से वेणु सक पका गया। भूत क्या मेरी पत्नी का रिश्तेदार है, वो ऐसा क्यों करेगा? दरअसल वेणु की पत्नी की चाची एक गुस्सैल औरत थी, वेणु को उसका नाम नहीं पता था, सब उस औरत को भूत बुलाते थे। वेणु को लगता था कि ये उसका असल नाम है। सुशील ने ऐसे दिखाया कि उसे वेणु से सहानुभूति है, बड़ी नरमी से बोला, सच तो यही है कि अपने ही ढकते हैं। कुछ समय बाद वेणु अपने घर चला गया। सुशील और उसकी पत्नी बड़े खुश हुए और सोचने लगे, धोखा देने में हम सफल रहे, उसकी भूतिया रिश्तेदार बनकर हम कुछ और गहने कमाएंगे। तो उसकी पत्नी बोली, अगली बार शहर जाओ तो एक तगड़ी बकरी लेकर जाना, कम से कम 100 रुपए मिलेंगे। एक भूत पास के इमली के पेड़ से सारा वाकया होते देख रहा था और उसने सुशील और मंगला की बात भी सुन ली। भूत ने उन्हें सबक सिखाना चाहा और वेणु की मदद करने की सोची। एक दिन सुशील सूरज निकलने से पहले शहर के लिए निकल रहा था। जाने से पहले अंधेरे में वो बकरियों के झुंड की तरफ गया। उसने एक तगड़ी बकरी निकाली और लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना था, क्योंकि तब अंधेरा था, सुशील को डर लग रहा था। उसने हिम्मत बढ़ाने के लिए चलते चलते गाना गाना शुरू कर दिया। अरे बिजुरिया। अचानक उसे बकरी के सर पर 2 सींग दिखाई दिए। कुछ देर बाद बकरी की मूछें भी आ गईं और शरीर पर बाघ की धारियां भी। सुशील डर के मारे कांपने लगा और अपने गांव वापस भाग गया। बकरी एक बाघ की शक्ल में गुर्राई और फिर चमगादड़ बनकर उड़ गई। सुशील वहां से बड़ा तेज भागा और अपने घर पहुंचा। सुशील ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ईश्वर की कृपा है कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूँ। चलो चलकर वेणु से माफी मांगते हैं, भूत वाकई उसका रिश्तेदार है। मंगला भी डर से कांपने लगी। तुरंत आंगन की दीवार के पास जाकर उसने वेणु को आवाज दी, वेणु भैया। वेणु वहाँ आया तो वो बोली, भैया हमें माफ कर दो, भूत को हमें सताने नहीं भेजना, हम तुमसे कोई काम करने को नहीं कहेंगे। इस तरह सुशील और उसकी पत्नी दोनों ने वेणु से प्रार्थना की। उन्होंने उसे अब तक लिए बकरी के दूध के पैसे और साथ ही बेचे गए मेमने के पैसे भी दिए। वेणु को कुछ समझ नहीं आया और उसे लगा, लगता है मेरी पत्नी के रिश्तेदार से डर गए हैं। जो हुआ अच्छा हुआ।